थाना गांधी पार्क क्षेत्र में एक बॉडी मिली थी। मृतक का नाम भूरी सिंह था और जहां बॉडी मिली थी वो मोहल्ला कुंवर नगर है। उसी का भाई किशन गोस्वामी के मकान के बाहर जो है नाले से ये बॉडी मिली थी। इस संबंध में किशन गोस्वामी द्वारा 5 व्यक्तियों के विरुद्ध जो है हत्या का आरोप लगाते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें कि 2 किरायेदार, उनमें से 1 किरायेदार की पत्नी और मृतक की पत्नी और 1 किरायेदार का मित्र, इन्हें नामजद किया गया था। पूछताछ के दौरान जो बात सामने आई वो ये है कि मृतक की पत्नी और 1 किरायेदार डब्बू की पत्नी रजनी, इनके बीच में जो है होमोसेक्सुअल रिलेशंस थे करीब 2 वर्ष से। इस वजह से इन्होंने जो है करीब 1 माह पहले भूरी सिंह की हत्या की योजना बनाई थी और इवेंचुअली उनको 11 तारीख को करीब शराब पिलाई और उसके बाद हाथ पर बांध के मुंह पे टेप लगा के गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। इन दोनों से जो रस्सी और टेप हत्या के लिए प्रयोग में लाया गया है वो इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया है और दोनों अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। गुमराह भी किया गया था किसी प्रकार, पुलिस को गुमराह भी किया गया था इस दौरान जो हत्या करने का? नहीं, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और तत्काल पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान जो घटना सामने आई उसके आधार पर अभियुक्ताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा। सर, शराब किसके द्वारा पिलाई गई थी मृतक को और दूसरा मृतक क्या विरोध करता था, क्या था? मृतक को जानकारी थी इस संबंध की और शराब इन्हीं दोनों के द्वारा पिलाई गई थी।